तो गाइज ये है मेरा आज का लंच, पालक पनीर है। एक्चुअली पालक पनीर सबके लिए घी में ही बनाया है मैंने, सबके लिए आज पालक पनीर ही बना है। और पालक पनीर की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसी वजह से पालक पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की। ये रहा लंच, बाजरे की रोटी है और पालक पनीर है। थोड़ा सा पालक पनीर और लेने वाली हूँ, मतलब जितना लगेगा उतना, ऐसा कुछ नहीं है। पालक पनीर खा सकते हो क्योंकि ग्रीन वेजेस खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, टेंशन नहीं है। ग्रीन वेजेस कोई भी हो, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा एक चम्मच घी में बनाना है आपको, तो वही बनाया। देखो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है ऊपर, तेल या घी, तेल तो नहीं ही होगा, घी। तो ये रहा आज का लंच। कर्ड नहीं है आज, खीरा नहीं है, खीरा लाने ये गया है। पता नहीं अब जब तक मैं खाना खाने बैठूंगी तब तक अगर खीरा आता है तो खीरा भी इसके साथ रहेगा, नहीं तो फिर ये मेरा लंच होने वाला है आज का। गाइज अभी भी मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ है अमेजोन से, और मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि पिछला जो पार्सल रिसीव हुआ था, उस टाइम जब शेयर किया था ना, तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि कुछ मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और वो मुझे रिसीव नहीं हुआ है अभी तक। तो मैंने सोचा चलो अभी रिसीव हो गया है तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि पिछली बार आपने बोला था कि हाँ दी, हमें अच्छा लगता है आपके साथ, आप जो भी प्रोडक्ट बताते हो, ये प्रोडक्ट शेयर करना, वो प्रोडक्ट शेयर करना। तो मैंने सोचा कि जो भी प्रोडक्ट अभी मुझे रिसीव हुआ है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बोला था उस दिन, रियल टेक्निक के ब्रशेस मैंने उस दिन यूज किए थे और मेकअप इतना फ्लॉलेस हुआ था मेरा, इतना फ्लॉलेस हुआ था कि आपको क्या बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी। माही भी बोल रही थी कि आज का जो मेकअप है ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मम्मा आपके ऊपर, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो। और आपने भी बोला था कि हाँ शेयर करना, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये किट शेयर कर देती हूँ। इस किट में आता है एक ब्लश ब्रश, एक फाउंडेशन ब्रश, फाउंडेशन ब्रश बहुत ज्यादा अच्छा है, ब्लश ब्रश बहुत ज्यादा अच्छा है। और आप ना सिंगल सिंगल लेने से अच्छा है, जो रियल टेक्निक के सिंगल सिंगल ब्रशेस होते हैं वो लेने से अच्छा है ये वाला किट ट्राई करो। ये वाला किट ना आपको सस्ता भी मिल जाएगा और उसके बाद आपके पास बहुत ही बढ़िया बेस्ट वाले ब्रशेस होंगे। मतलब मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा अच्छे ब्रशेस मैंने अभी तक यूज नहीं किए हैं, रियल टेक्निक से ज्यादा अच्छे। क्योंकि मेरे पास पैक के भी ब्रशेस है, आपको पता है पैक के ब्रशेस है, बट पैक के ब्रश से अच्छा मुझे रियल टेक्निक के ब्रश लगे अभी। क्योंकि मैंने इससे पहले रियल टेक्निक के ब्रश यूज नहीं किए थे और मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि रियल टेक्निक के ब्रश सच में अच्छे हैं और आप एक बार यूज करके देखो। तो मैंने बोला कि चलो ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ, तो मैंने ये किट ऑर्डर कर दी थी। मैंने बोला अलग अलग ऑर्डर प्लेस करने से अच्छा है किट ऑर्डर कर दू, ताकि मुझे सस्ती भी मिल जाएगी और मुझे पता भी चल जाएगा कि सच में अच्छा है या नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से आपका फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं गाइज इसमें। एक रुको मैं आपको अंदर से ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसे ब्रशेस है। ये इसकी आउटर पैकेजिंग और उसके बाद इसकी इनर पैकेजिंग। तो ये जो ब्रश है वो एक्सपर्ट ब्रश है, हाँ एक्सपर्ट फेस ब्रश। तो ये आपके फाउंडेशन का काम आता है, डेंस ब्रश है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ब्रिसल्स है और ब्रिसल्स मतलब निकलते नहीं है इसके, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे है ये ब्रश, और सेट में मिला है तो इतने सस्ते में मिला है आप यकीन नहीं कर पाओगे, 50% से ज्यादा ऑफ था तो मैंने परचेस किया था, अभी भी चल रहा है ऑफ। और हाँ आपको बता दूं, अभी तो बहुत ही कम प्राइस में आपको ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि मैंने तो पहले लिए है, मुझे तो कम प्राइस में मिले ही, बट आपको अभी और भी ज्यादा कम प्राइस में मिलेंगे क्योंकि अभी ग्रेट रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। अभी 17 जान से ये स्टार्ट हुआ है, 20 जान तक ये सेल है। जो भी प्राइम मेंबरशिप वाले है उनके लिए तो 16 जान को ही ये सेल स्टार्ट हो गया है। तो गाइज इस सेल का आप फायदा उठा सकते हो, जो भी परचेस करना है आपको परचेस कर सकते हो क्योंकि अभी बहुत ही कम प्राइस में आपको सारी चीजें मिलेगी, बहुत ही प्राइस डाउन हो चुके हैं और काफी अच्छे डिस्काउंट में आपको सारी चीजें मिलने वाली है। तो हाँ इस सेट के बारे में मैं बता रही थी। तो ये जो सेट है गाइज, इसमें आपको एक एक्सपर्ट ब्रश मिलता है। एक्सपर्ट ब्रश अगर आप अलग से लेने जाते हो तो उसका बहुत ज्यादा कॉस्ट है, मतलब 900 1000 तक तो आपको एक्सपर्ट ब्रश ही मिल जाएगा। तो उससे अच्छा है एक सेट ले लो, ये सेट ही आपको अंडर 1000 मिल जाएगा, अभी तो बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। तो एक सेटिंग ब्रश मिलता है, इससे आप चाहे क्या बोलते हैं हाइलाइटर लगा सकते हो, चाहे आप यहाँ पर कंसीलर सेट कर सकते हो, काफी कुछ कर सकते हो इससे। और हाँ उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्रश है डेलक्स क्रीज ब्रश, तो इससे आप अपना आई शेडो लगा सकते हो, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ब्रश है गाइस, बहुत ज्यादा पसंद आया है मुझे, मतलब इसकी जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। इसके साथ ही आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर भी मिलता है, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर अलग से परचेस करना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा मतलब कॉस्टली मिल जाएगा रियल टेक्निक का ब्यूटी ब्लेंडर। और इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना, अगर आप इसे इसमें डालते हो क्या बोलते हैं पानी में सोक करते हो तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और
बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत फ्लफी है ये, इसीलिए बोलते हैं कि ब्रांड ब्रांड होता है, बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस। और इतने कम प्राइस में मिल रहा है, मुझे पहले तो शॉक थी मैं कि इतने कम प्राइस में मुझे मिला, तो मुझे लगा था कि मैंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है बट मुझे फेक प्रोडक्ट मिलेंगे, बट ट्रस्ट मी गाइज मुझे रियल प्रोडक्ट मिले हैं। मैंने उनके वेबसाइट पे जाके देखा, उनके ब्रशेस देखे, बहुत सर्च किया, उसके बाद पता चला कि नहीं यार ये जो ब्रश मुझे रिसीव हुआ है वो रियल ब्रश रिसीव हुआ है। उसके बाद ये ब्लश ब्रश है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से ब्लश लगता है इसकी वजह से, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट पिक नहीं करता है, अच्छे से जितना प्रोडक्ट चाहिए आपको उतना पिक करता है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है आपका ब्लश, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब ये 10 out of 11 दूंगी मैं इसे, इतने ज्यादा अच्छे ब्रशेस हैं, मुझे तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे लगे ये ब्रशेस। और मैं अपनी फ्रेंड को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो वो देख रही होगी तो उसको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतने अच्छे ब्रशेस उसने सजेस्ट किए मुझे, तो उसने यूज किए थे इसी वजह से उसने बोला कि नहीं आप दूसरे ब्रशेस में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ब्रशेस में इन्वेस्ट कर रखा है। और कैसा है कि हम लोग यूट्यूबर्स आपके लिए ब्रशेस लेते हैं, आपके लिए मतलब रिव्यू करने के लिए लेते हैं, हमें कुछ अच्छा लगता है तो वो आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है तो मेरे पास ऐसे 2-3 सेट है जो मुझे ठीक ठाक लगे, वो अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है आपके साथ। ये फर्स्ट जो ब्रश का सेट है वो मैं शेयर कर रही हूँ, इससे पहले पैक का ब्रश शेयर किया था, वो भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है मैं इसको उसको बुरा नहीं बोलूंगी, बट उनसे ज्यादा मतलब होता है ना कि ये कैसे होता है कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो ये है। और उसके बाद जो है ना गाइस, मैंने अभी ये तो फेस ब्रशेस ले लिए, इसमें मुझे मिला है सेटिंग ब्रश, इसमें मुझे आई शेडो ब्रश मिला है, इसमें मुझे फाउंडेशन ब्रश मिला है, और उसके बाद कौन सा है ब्लश ब्रश मिला है, बट मेरे पास पाउडर ब्रश नहीं था तो इसका ही मुझे पाउडर ब्रश चाहिए था रियल टेक्निक का, तो ये मुझे कॉम्बो में नहीं मिल रहा था तो मुझे ये अलग से परचेस करना पड़ा। तो ये बहुत ही बड़ा सा ब्रश है, देखो आप पूरा आधा फेस कवर कर लेता है, बहुत बड़ा ब्रश है, तो ये मुझे अलग से परचेस करना पड़ा, तो थोड़ा सा महंगा मिला है, बट ठीक है यार, मतलब अगर आप कोई अच्छी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना तो सच में एक अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करो, ताकि आपको बाद में बार बार चीजें लेनी ना पड़े मेरी तरह। मुझे तो खैर यार मेरे तो यूज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपके लिए बता रही हूँ, आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं या हमेशा मेकअप नहीं करते हो और आपके लिए अच्छा कोई ब्रश चाहिए तो आप डेफिनेटली इस ब्रश में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने एक आई शेडो पैलेट लिया है जो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा सही है गाइज, इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा बोला था, तो मैंने सोचा मेरे पास भी ये पैलेट होना चाहिए। और ये जो पैलेट है इसमें ग्रीन के शेड्स है, ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है वो दिखाती हूँ आपको पहले, फिर इसमें ग्रीन के शेड है, फिर न्यूड के शेड है मतलब ब्राउन के, फिर है इसमें पर्पल शेड, और ये पर्पल के शेड्स है, और ये कौन से है ये पिंक, और ये मिक्स है ब्लू मिक्स पिंक, क्या क्या है इसमें, तो इसमें ना आपको ग्लिटर मिल जाते हैं, इसमें शिमरी शेड मिल जाते हैं, और इसमें मैट शेड भी मिलते हैं, तो इसमें आपको ये ऑल इन वन पैलेट है गाइज। अगर आप एक ही पैलेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक ही पैलेट अगर आप बिगनर हो और एक ही पैलेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपने मेकअप किट बनाना चाहते हो, तो ये पैलेट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। पिगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी है, अभी पिगमेंटेशन दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला एक कलर लेती हूँ और ये वाला एक कलर लेती हूँ, पिगमेंटेशन देखो देखो सही है ना, बहुत सही वाला पैलेट है ये, अगर आप बिगनर हो ना तो डेफिनेटली ले सकते हो। इसमें आपको ग्लिटर मिल जाएंगे, शिमरी मिल जाएंगे और मैट भी मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है मीट योर मैच कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट है ये हुडा गर्ल का, तो ये वाला आई शेडो पैलेट, इसमें आपको सारे के सारे शेड मिलेंगे गाइस, ऐसा आपका कोई भी आउटफिट नहीं होगा जिसके लिए आपको इसमें शेड नहीं मिलेगा, सारे शेड आपको एक ही इसमें मिलेंगे, आपको दूसरा पैलेट खरीदने की जरूरत ही नहीं है इस पैलेट को खरीदने के बाद, तो ये पैलेट भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, बिगनर्स के लिए तो बहुत सही वाला पैलेट है। अगर आप कोई अच्छे पैलेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ये वाला पैलेट डेफिनेटली ले सकते हो। और एक पैलेट है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और अभी क्योंकि वो भी पैलेट बहुत ज्यादा अच्छा है, और अगर आपको बहुत शौक है मेकअप का और आप हमेशा मेकअप करते रहते हो तो आपके लिए वो भी पैलेट बहुत सही होने वाला है, क्योंकि ये जो पैलेट है जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ वो पैलेट मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट ने सजेस्ट किया है जो मेरी फ्रेंड है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो पैलेट ये वाला पैलेट है गाइस, ये है आई मैजिक का प्रोफेशनल कॉस्मेटिक आई शेडो पैलेट, और ये भी पैलेट बहुत सही वाला पैलेट है, इस तरह की पैकेजिंग में आया था, मुझे ये रिसीव हुआ था, और ये मतलब ऊपर था और अंदर का मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं इस पैलेट को, और ये जो पैलेट है आप यकीन नहीं करोगे, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो यूज करती ही है बट अंडर 1000 रुपीज मिल जाता है आपको, मुझे तो 900 समथिंग का मिला था, आपको पता नहीं अभी सेल चल रहा है तो कितने का मिलेगा,
तो ये जो पैलेट है आप देख सकते हो, इसमें भी आपको शिमरी शेड मिल जाते हैं, इसमें भी आपको मैट शेड मिल जाते हैं, और काफी सारे शेड हैं। ये देखिए, इसमें ऑरेंज है, पिंक है, येलो है, और ब्लू है, ग्रीन है। इसमें भी देखो, डार्क पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू, सारे शेड आपको इस पैलेट में भी मिल जाएंगे। तो ये भी पैलेट आप डेफिनेटली ले सकते हो, अगर आप बिगनर हो ना, बिगनर हो या प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी हो ना, तो भी आप ये पैलेट ले सकते हो। क्योंकि जो मेरे फ्रेंड है ना, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, उसने ही मुझे ये सजेस्ट किया था, उसने ही मुझे कुछ शेड या कुछ चीजें सजेस्ट की थी, आगे मैं परचेस करने ही वाली हूँ। और अभी भी मैंने कुछ परचेस किए हैं, इससे पहले भी मैंने कुछ परचेस किए हैं, जो हॉल आपका पहले दिखाया था मैंने, उसमें भी मैंने कुछ चीजें परचेस की थी, तो वो भी उसने ही सजेस्ट की थी मुझे। मतलब वो सजेशन देती रहती है कुछ ना कुछ, और वो मैं परचेस करने ही वाली हूँ। थोड़ा सा बजट का प्रॉब्लम होता है, आपका भी होता है, मेरा भी होता है, बट क्या होता है कि बजट को देख के ही सारे कुछ करना पड़ता है। बट मुझे तो परचेस करना ही है, आपके लिए परचेस करना है, मुझे खुद के लिए परचेस करना है, मेकअप वीडियोज के लिए परचेस करना है, तो मैं तो परचेस करने ही वाली हूँ। बट जो बेस्ट है ना, वो आपको सजेस्ट करूंगी, मतलब जो भी लूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी और आपको सजेस्ट करूंगी। अभी पिछले बार भी लिया था, वो भी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है ना तो यार प्लीज वीडियोस देखा करो, उसमें मैं अंदर शेयर करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ जो न्यू आता है वो शेयर करती हूँ। फिर आप बाद में बताते हो कि यार दी ये नहीं, ये मिस किया, ये नहीं, ये कहाँ से लिया है आपने, वो कहाँ से लिया है। तो गाइज जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो उस टाइम आप ध्यान नहीं देते हो और बाद में मुझे पूछते हो, तो गाइज आप इस टाइम में ध्यान दिया करो ताकि आपका फायदा हो, कुछ तो भी फायदा हो, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उस टाइम जो सेल चल रहा होता है या कुछ चल रहा होता है ना, तो मैं उस टाइम पक्का आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ, और उस टाइम आप उस सेल का फायदा उठाया करो ताकि आपको ज्यादा महंगा ना मिले, आपको सस्ती रेट में, मतलब सस्ते प्राइस में आपको सारी चीजें मिल जाए जो भी आपको परचेस करना है। देखो ये जो पैलेट है, ये भी बेस्ट पैलेट होने वाला है आपके लिए। इसकी पिगमेंटेशन आपको दिखाती हूँ कुछ शेड्स की। मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगी ये वाला पैलेट, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये, मतलब यूज करने वाली हूँ बट अभी आपको नहीं दिखाने वाली। ये देखो, ये वाला येलो और ये वाला पिंक, ठीक है। अभी आपको दिखाती हूँ इसकी पिगमेंटेशन, देखो सही वाली। येलो तो इतना खैर अच्छे से आया नहीं है मेरे हाथ में, पिक नहीं हुआ है, क्योंकि ये अच्छे से निकालना पड़ेगा। ये देखो, ये यहाँ पर येलो है, ये देखो पिगमेंटेशन, देखो सही वाली पिगमेंटेशन है गाइस। सच्ची में आप इतने जल्दी ब्लेंड होता है, वो बोल रही थी कि बहुत जल्दी ब्लेंड होता है, वो अपने क्लाइंट पे भी इसे यूज करती है, और बहुत अच्छा खासा ये पैलेट है, तो ये सच में बहुत अच्छा है। उसके बाद जो फेसेस कैनेडा के ये थे, लिप क्रेयॉन थे, वो भी उसने ही मुझे सजेस्ट किया है। वो ब्राइड को भी यूज करती है फेसेस के क्रेयॉन के, ये फेसेस कैनेडा के क्रेयॉन्स। तो पिछले बार भी मैंने एक शेड लिया था, वो भी उसने सजेस्ट किया था, ये वाला शेड ले, अच्छा है। और ये वाला शेड भी मैंने अभी लिया है, तो ये वाला भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। बट इसका जो प्रॉब्लम हुआ है ना, वो क्या है बताती हूँ आपको। जैसे ही मुझे रिसीव हुआ, ऐसे ही मैंने ओपन करके रख दिया, और अद्विक ने ये तोड़ दिया, जो ऊपर का टोक नहीं होता है नोक वाला, ऐसे जिससे आप लगाते हो। तो इसके साथ शार्पनर मिलता है आपको, शार्प कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट तोड़ दिया तो मेरा दिल दुख रहा है थोड़ा सा। मतलब उसका इतना महंगा है ये, और उसमें थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा दिल तो दुखता ही है। मैंने क्या किया, फिर ब्रश लिया, और वो जो टूटा हुआ है वो ब्रश से अप्लाई किया है। तो ये रिसेंटली मैंने जो अप्लाई किया है वो शेड है। आपको कैमरा में थोड़ा लाइट लग रहा होगा, बट ये शेड बहुत ही सही है गाइज, नाइट पार्टीज के लिए, नाइट फंक्शन के लिए बहुत सही वाला शेड है। सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज परचेस करनी है, अभी जो मैंने आपको दिखाई ना, वो आप रिग्रेट नहीं करोगे लेने के बाद। जो भी चीज मैंने आपको अभी आपको दिखाई ना, उसमें से कोई भी चीज आपको पसंद आती है, तो टेंशन मत लीजिए, जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको आने के बाद पछतावा होगा, मेरी गारंटी है ये। इतनी मैं जी तोड़ के आपको बता रही हूँ, तो ऐसी नहीं बता रही हूँ। बहुत सही वाला शेड है, और बहुत सही वाला ये क्रेयॉन भी है। अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई है ना, तो उसके नीचे आप लिप बाम अप्लाई करो, बाद में ये शेड अप्लाई करना, मतलब ये क्रेयॉन यूज करना। नहीं तो क्या होगा, इसमें आप बहुत सारे शेड मिल जाएंगे आपको। ये क्रेयॉन सही है ये बोल रही हूँ मैं, शेड भी बहुत सही है, बट आपको अगर दूसरे शेड परचेस करने हैं तो आप दूसरे भी शेड परचेस कर सकते हो, बट ये शेड भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपके लिप्स मतलब ज्यादा ही ड्राई है, तो आप ये मत लो, क्योंकि आपके लिप्स अगर मॉइस्चराइज है तो आप ये लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब आप सोचो 6 to 7 hours तक आपके लिप्स पे ये रहेगा, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी आप जाते हो ना, तो रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टचअप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको लगाने के बाद। और अगर आपको ज्यादा ही लिप्स आपके फट्टे हैं, ड्राई है, तो आप शुगर का ले सकते हो क्रेयॉन, ये मत लेना।
क्योंकि शुगर के क्रेयॉन, हाँ लॉन्ग लास्टिंग कम है शुगर का क्रेयॉन, बट उसमें भी कलर्स काफी ज्यादा अच्छे मिलेंगे आपको। बट अगर आप अच्छे क्रेयॉन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब लॉन्ग लास्टिंग, कैसा है कि हम अगर लिपस्टिक लेते हैं तो हमें क्या लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक होनी चाहिए, तो ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज्यादा है। उसके बाद मैंने ये फेसेस कनाडा की ये नेल पॉलिश ली है, इससे पहले भी ये वाला शेड था मेरे पास, वो खत्म हो गया है, तो ये वाला शेड मैंने दोबारा से परचेस किया है। ये भी मैंने जैसे कि आपको बोला बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग, मतलब जल्दी से जाम नहीं होगी, बहुत दिनों तक टिकी रहेगी, तो ये नेल पॉलिश भी बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बाद मैंने जो लिया है ना वो है VLCC का ये किट, एंटी टैन फेशियल किट है ये। टैनिंग मुझे बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है, आपको तो मैंने बताया ये इससे पहले भी, टैनिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है और जल्दी नहीं निकलती यार मेरी टैनिंग, ऐसी प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो टैनिंग के लिए मैंने ये वाला किट लिया है और इसे मैं जल्दी ही यूज करूंगी और आपके साथ फेशियल शेयर करूंगी। हो सकता है इस चैनल पे शेयर करूं या तो फिर नहीं तो माय स्टाइल एंड टिप्स पे शेयर करूं, पक्का देखना है इसका वीडियो, तो ये भी जल्दी शेयर करने वाली हूँ। और मुझे ये कब से ट्राई करना था तो अभी ट्राई करके देखूंगी, बट ये बहुत लोगों से सुना है मैंने कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ और इसका रिजल्ट भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। तो ये लिया है, उसके बाद ये है, ये तो बेस्ट प्रोडक्ट है बेस्ट टैनिंग के लिए, तो ये पैक है गाइज O3 का, देखो प्रोफेशनल O3 प्लस, उसका ये डिटैन पैक है और इसका तो कहना ही क्या, बहुत ज्यादा अच्छा पैक है, मतलब आपकी टैनिंग पूरी हटा देता है, आपको बहुत ज्यादा ग्लो देता है आपके फेस पे, काफी ज्यादा अच्छा पैक है गाइज, डेफिनेटली आप इसे भी परचेस कर सकते हो। तो ये है लास्ट प्रोडक्ट, हाँ इस बार का लास्ट ही प्रोडक्ट है। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग, जो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना जरूर, और आपको अगर इसमें से कुछ परचेस करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक माय हॉट स्टोर का लिंक भी दे दूंगी और सेपरेट लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हाँ कमेंट में भी पिन कर दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करने में आलस आता है या आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, तो मैं कमेंट में भी, पहला जो कमेंट होगा वो इसी का लिंक होगा, तो चेक जरूर कर लेना, मैं दे दूंगी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कोई भी चीज अगर आपको परचेस करनी है तो बिंदास परचेस करना, अगर आपकी कुछ कंप्लेंट आई तो मुझे कंप्लेंट करना, मतलब इसमें से कोई भी चीज की कंप्लेंट आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, इतने ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं इतनी गारंटी ले रही हूं तो आप तो समझ ही सकते हो, आप मेरे ऊपर पत्थर मारोगे बाद में अगर आपके पास अच्छी चीज नहीं आई तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा सारी चीजें अच्छी है। गाड़ी निकाल लो अब, हे गाइस गुड मॉर्निंग, मतलब गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून हो रहा है, तो हम लोग निकलने वाला है डीमार्ट जाने के लिए, एक्चुअली ग्रोसरी खत्म हो गई है तो इसी वजह से डीमार्ट जाके ग्रोसरी लेके आते हैं, और उधर की उधर जाएंगे बेबी से मिलने, हमारे बेबी से भी मिल के आएंगे, कल्याणी से भी मिल के आएंगे और डीमार्ट की शॉपिंग भी करके आएंगे, मतलब ग्रोसरी शॉपिंग। और वो जो है मैंने गिफ्ट लिया था कल्याणी के लिए ये वाला, ये भी दे के आ जाएंगे, तो कल्याणी का गिफ्ट जो है वो मेरे पास ही था इतने दिनों से, और टाइम ही नहीं मिल रहा था यार जाने का, तो इसी वजह से आज सोचा कि डीमार्ट भी जाके आते हैं और उधर भी जाके आते हैं। राजवीक भी यहाँ पर रेडी हो चुका है, आ जाओ तो ये देखो, हाय बोल दो, हाय। हाँ और माही भी, हेलो। हाँ पर आज मैंने सुबह मैंने आज मतलब आज मैंने खाना नहीं खाया। हाँ तो बोल रहा है कि बाहर खिला देना कुछ मुझे, एक एक ही मेरा काम है खाने का, वो है चॉकलेट। चॉकलेट खाना मेरे साथ, मैं जब खा रही थी थोड़ा सा खाना खाया उसने, बट अभी बोल रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा घर पे, मुझे बाहर कुछ खिला देना। आ मेरे साथ आओ और बेबी से मिलो, बेबी से तो बेबी से तो नहीं मिलोंगे बट कल्याणी मामी से मिलना। और हाँ बेबी का फेस अभी तक हम लोगों ने रिवील नहीं किया है और अभी भी हम लोग नहीं दिखाने वाले हैं, कुछ रीजन है उसकी वजह से, और रीजन आपको बाद में पता चल ही जाएगा क्या रीजन है। तो कुछ दिनों के बाद जब उसका नामकरण होगा उस टाइम हम आपको बेबी का फेस रिवील कर देंगे, बट अभी नहीं डियर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है और आप भी समझ जाओगे बाद में जब मैं आपके साथ रीजन शेयर करूंगी तब। तो चलिए अभी जाते हैं, निकलते हैं, और नहीं तो अभी और टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएगा उधर से आने के बाद, मुझे जिम भी जाना है। चलो चलो बेटा, लो पकड़ो ये मेरे पास चाबी थी ना, अद्विक तो बैठ भी गया जाके पहले, फास्ट काम है, बराबर है।
लेना है? मुझे मेरे मन से तो जाऊंगा, मुझे दिखेगा तो कुछ भी ले लूंगा। ठीक है आप छुट्टी कर लेना। ठीक है ठीक है। और पता है सिर्फ चॉकलेट के लिए जा रहे हैं? चॉकलेट के लिए नहीं, और भी चाहिए कुछ। क्या और भी चाहिए कुछ मुझे? क्या आपको जाने के बाद बताऊंगा। ठीक है ठीक है। अजू को सरप्राइज होता है बराबर है ना? अब उसको समझता नहीं क्या मैं ऐसी समझ रही हूँ क्या उसे बेचारे को? वो येलो कलर की बहुत अच्छी लग रही है, देखो ना जाके तो देखो। अच्छे यार यहाँ पे तो सारी मतलब कलरफुल भी है और वो भी है ब्राउन कलर के। वो येलो कलर के अच्छे लग रहे हैं मुझे। यार बहुत ज्यादा महंगे बता रहे थे वो, बहुत ही ज्यादा, और रेड भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। जाने दो। वो येलो पसंद आ गई थी लेकिन मुझे, मैं दो चार लेने का मन था मेरा वो गैलरी में रखने के लिए, बट रेट रेट ही नहीं छोड़ रहा है। टेडी बियर अभी घर पे ढेर भरा है, टेडी बियर का ढेर है ढेर, बड़े से लेके छोटे तक। लेके आना ऊपर से, वो ड्रॉर में ही है आपके बेड के। दोबारा से रोको बोल रहा है गाड़ी, और मैं कोई टेडी बेयर देखता हूँ बोलता है अपने लिए। क्या है मुझे पापा, उसको पता है ना पापा तो हर डिमांड पूरी करते हैं उसकी, इसीलिए। ट्रैफिक क्यों नहीं कम होगी? क्योंकि अभी ये वीकडेज में है ना, वीकेंड में आते तो ट्रैफिक ज्यादा रहती है, वीकडेज में कम रहती है। आ गया डी मार्ट फाइनली। हाँ आज, अरे ये मैं बोल तो रही हूँ वीकडेज में आया, और वो भी हम लोग दोपहर में आए हैं तो दोपहर में तो थोड़ा सा खाली होगा ना। आरटीपीसीआर टेस्ट इसका रिजल्ट, सुबह होती है तब भीड़ कम होती है, जब कुछ मतलब रात को लेना होता है बहुत भीड़ होती है। हाँ रात को लेना होता है तो बहुत भीड़ होती है, क्योंकि रात को सब लोग ड्यूटी से आ जाते हैं और उसके बाद फिर शॉपिंग करने आते हैं। बाप रे ये तो वो। वैक्सीनेशन कंप्लीट है क्या? हाँ ये देखो इनका सेकेंड डोज हुआ है, इसी वजह से जा पा रहे हैं, मेरा एक ही डोज हुआ है। चलो 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 अद्विक। यार ये तो बहुत ही पंगा हो गया यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर वैक्सीन ली है मतलब दोनों डोज आपके कंप्लीट है तभी आप अंदर जा सकते हो, अदरवाइज आपको अंदर जाने के लिए नहीं मिलेगा। मेरा एक ही सिंगल डोज ही है तो इसी वजह से जाने नहीं दे रहे, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ जमा हो रही है और वो मतलब थोड़े से झगड़े भी हो गए वहाँ पे उसके लिए कि वन डोज वालों को तो भी जाने देना चाहिए, बट उनका भी सही है यार, इन लोग इन्होंने तो मान लिया क्योंकि यही होते हैं इंस्ट्रक्शन देने वाले उन्हें, तो इसी वजह से ये गए। और अभी मैं कार में बैठती हूँ और इन्हें लिस्ट भेजती हूँ। हाँ ना इसी वजह से खाली है, वही तो हम लोग सोच रहे हैं कि यार खाली क्यों है ये। और आपके लिए भी चॉकलेट बता देती हूँ अभी। फाइनली लेके देखो सारा सामान लेके आ गया है।
कपकेक, चॉकलेट, हाँ हाँ मोज़रेला चीज, हाँ इसकी ज़रूरत थी मुझे। अमूल का ही लाया ना? ठीक है अमूल का ही है, दे दो। बच्चे खुश? तो हम भी खुश, बच्चे की मम्मा भी खुश। बच्चे खुश तो मम्मा की भी खुश और पापा भी खुश। नहीं बेटा आमच्यासाठी काहीच नसते, मुलांसाठीच असते, बच्चों के लिए ही होता है सब कुछ, हमारे लिए क्या आता है। हाँ हाँ मोटी, ठीक है ये देखो, ये देखो, हाँ स्पेशल ये मेरे डैड के लिए रहता है। हाँ ठीक है, सोप लाई क्या आपने? नहीं नहीं छह लाया ना। हाँ हाँ वही तो, बाकी वो नीचे गिरी हुई थी। हमारे आंटी को वही सोप चाहिए। हाँ ये मेरा अपना आंटी के फेवरेट। चलो अभी ये अभी, हाँ उसमें रखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फाइनली डीमार्ट का सामान ले लिया इन्होंने। एक्चुअली इनको अकेले ही जाना पड़ा और अकेले ही लेना पड़ा सारा सामान बेचारों को। अकेले बेचारे ने आज शॉपिंग की है, इतनी सारी शॉपिंग अकेले ने की। और लेकिन काउंटर खाली थे बोल रहे थे, ये पूरे खाली थे क्योंकि आने ही नहीं दे रहे अंदर, तो काउंटर क्यों नहीं खाली हो गया? आप सोचिए जब फर्स्ट वाले का नहीं आने दे रहे हैं। हाँ तो एक वैक्सीन लेने वालों को भी नहीं आने दे रहे हैं, तो जिसकी लगी थी उसको कैसा? हाँ तो वो तो अच्छा हो गया, मेरी एक लग गई, जान दो अभी 3 नहीं 2 महीने के बाद और एक लग जाएगी, हो जाएगा मेरा 2 वैक्सीन का। अभी डेट दिया होगा ना उसमें, उसमें डेट दिया होगा ना सर्टिफिकेट में? हाँ है ना, फेब्रुआरी से स्टार्ट होगा। ठीक है फेब्रुआरी में लूंगी मैं अभी वो सर्टिफिकेट। मेरा तो अभी बूस्टर है फेब्रुआरी में, मेरा थर्ड डोज बूस्टर वाला, तो मैं फेब्रुआरी में सेकेंड डोज लेने वाली हूँ, याद रखना। लेकिन अभी वो नंबर लगाने के लिए आप भी लोगे? ठीक है नहीं ना, नहीं। मुझे पता है आप ब्रेव हो। हम लोग कल्याणी के घर जाने के लिए निकले हैं, हम लोग बेबी से मिलने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे पता है आपको, आपको कैसा लग रहा है? लेकिन अंदर से पूरा अच्छा लग रहा है, अंदर से पूरा अच्छा लग रहा है, पूरा थोड़ा नहीं, अंदर से पूरा अच्छा लग रहा है उसको। क्या चाहिए अद्वी? गाड़ी में देता हूँ। मुझे ना वो चौकने का चाहिए था। चौक? फालूदा है यहाँ पे सिर्फ, फालूदा। देखो फालूदा है सिर्फ यहाँ पे। बादाम शेक है। हाँ स्पेशल, हाँ सारी अंजीर शेक, ड्राई फ्रूट स्पेशल, रबड़ी, उसके बाद अद्विक ने क्या लिया? बादाम शेक, माही आपको फालूदा और आपको भी फालूदा। अच्छा अच्छा, अद्विक ने मुंह देखो कितना गंदा किया, मुंह छा गई अद्विक को तो। अद्विक कभी मुंह लगी ले लो जल्दी पटाखा, फालूदा बन रहा है इनका दोनों का। मैं बेचारी यहाँ पे बैठी हूँ अंदर डैड की वजह से, बेचारी बन गई एकदम। क्या डाल रहा है भाई उसमें, कितने देर से बनी रहा है ये रॉयल फालूदा ले रहा है। देखते हैं क्या क्या डाला हुआ है इसमें। आ गया फाइनली, वाओ देखो क्या क्या डाला है, काफी सारी चीजें डली है यार, अच्छा है। खाओ खाओ,
अच्छा टेस्ट माही आपको पसंद आई? आपके लिए बनोगे? नहीं नहीं टेस्ट पसंद आई? बढ़िया अद्विक टेस्ट करो बेटा थोड़ा अच्छा है अभी अंदर बैठ जाओ आप अद्विक आपका हो गया ना आइसक्रीम मत खिलाना उसे ठंडी है आप खाओ देखो कितने धीरे धीरे से खोल रहा है ये देखो जैसे कि सरप्राइज दे रहा है अब आ, आ। चलो पता है मामी को हम लोग आने वाले हैं चलो चलो ये देखो कितने धीरे धीरे चल रहा है पिछली बार जैसा बर्थडे के टाइम पे जैसा चलो देखो कल्याणी से मिल लो और अभी इस बार कल्याणी की मम्मी ने क्या क्या बनाया वो दिखाती होगा मागच्या वेळेला चहा पडले म्हणून अरे क्या सब कुछ दिखाऊ क्या मैं आपको कि क्या क्या बनाया है अभी देखो ये पोहे और ये तिलगुळ है क्या म्हटलं मला तर एकदम हसायला यायचं म्हटलं यार काय काय बोलू ना त्यावेळेला मी घाईत होती नाही त्यावेळेला काय झालं हा चहा नंतर तू चेहरा धुवायला गेली होती त्यावेळेला हा तू झोपेतून उठली आणि चेहरा धुवायला गेली मग आम्ही इकडे चहा पिऊन घेतलं तोपर्यंत काय तेवढं काही शूट नाही केलं किती बारीक लक्ष द्यायचं म्हटलं एवढं नसते ना हे देखो अभी पोहे खा रहे हम लोग आता एक एक शूट करत जाईल म्हटलं मी की हे खा रहे वो खा रहे चल घे घे बेटा घे ना वो सिर्फ पोहे हो चला बाय बाय चलिए गाइस आ गए हम लोग घर पे और चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ जिम के लिए मुझे जिम जाना है जल्दी से और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मेरे अच्छे से नए व्लॉग में आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना और जब सब्सक्राइब का रेड बटन दबाओगे ना उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे क्लिक करना मत भूलिएगा उससे मेरे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और उसे आप सबसे पहले देख पाओगे और हाँ इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा चलो फिर बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय गाइस ध्यान रखना अपना